हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना से कहां क्या असर पड़ रहा है। अब आपको दिखाते हैं उद्योग जगत पर क्या असर पड़ रहा है। भारत में कोरोना दूसरे स्टेज पर है, तीसरे स्टेज में ना पहुंचे इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक एकांतवास मतलब भीड़भाड़ से दूर रहने पर जोर दिया जा रहा है। अब इसके फायदे हैं तो नुकसान भी है। आदमी घर में रहेगा तो वायरस फैलेगा नहीं, पर सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक एकांतवास का असर पर्यटन जैसे उद्योग पर भी पड़ रहा है जो इंसान के घर से निकलने पर ही चलते हैं। कोरोना को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सभी होटल रेस्टोरेंट और क्लब को बंद कर दिया है। श्रीनगर के एक रेस्टोरेंट ने सरकारी आदेश का पालन नहीं किया तो उसे सील कर दिया गया। सरकार ने विदेशी यात्रियों पर भी पाबंदी लगा दी है। अब हिमाचल के सोलन में होटल की इस तस्वीर को देखिए। पूरे होटल में सन्नाटा पसरा है, एक भी पर्यटक होटल के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ बुकिंग हमारे पास अब्रॉड की भी थी तो वो कैंसिल हुई है। अभी मार्च एंड की एक बुकिंग थी, उसमें कुछ फॉरेन डेलीगेट्स भी पार्टिसिपेट करने थे तो वो बुकिंग भी कैंसिल हुई है। कोरोना वायरस की वजह से होटल इंडस्ट्री या पूरे ट्रेवल उसमें ही फर्क पड़ा है। सारे के सारे लोग, हर जो भी आदमी है वो घर से निकलना ही नहीं चाह रहे हैं, भीड़भाड़ वाली जगह पे जाना ही नहीं चाह रहे हैं। वो सारी की सारी बुकिंग फिलहाल तो कैंसिल हो चुकी है या ट्रैवल एजेंट्स ने होल्ड पे डाल दी है। बाकी जो वॉक इन गेस्ट हैं वो भी ना के बराबर आ रहे हैं, तो खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रखा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर के बड़े होटल में 40% रूम खाली पड़े हैं। होटल के रेट 18% तक गिर गए हैं। होटल कारोबारियों की आमदनी पहले के मुकाबले 60% तक कम हो गई है। CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जुलाई के बीच पर्यटन 80-100% तक प्रभावित हो सकता है। सेंटर ऑफ एशिया पैसिफिक एविएशन संस्था के मुताबिक अगर हालात ऐसे ही रहे तो मई के आखिर तक विश्व के ज्यादातर एयरलाइन दिवालिया घोषित हो सकते हैं। जिस प्रकार से मैं पर्यटन के बारे में कहता हूँ कि हम सब स्टेक होल्डर हैं, इस आपदा के लिए हम सब बराबर के जिम्मेदार हैं। हम सब मिलजुल कर इस परिस्थिति से बाहर आएंगे और मुझे लगता है 15 अप्रैल तक किसी को भी अपने इस संकल्प में कमी नहीं दिखानी चाहिए। पर्यटन पर प्रभाव पड़ेगा, इसको स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि जैसे ही हम इस आपदा से बाहर आएंगे पर्यटन के इस वैक्यूम को, इसकी भरपाई हम बड़ी आसानी के साथ भी कर लेंगे। जो तकलीफें होंगी स्टेक होल्डर्स को, सरकार उसको एड्रेस करेगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू की अपील की कल के लिए, 22 तारीख के लिए, और इसका असर अब रेलवे पर भी पड़ा है। रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने फैसला ये लिया है कि आज रात 12 बजे से लेकर कल रात को 10 बजे तक जितनी भी ट्रेनें हैं वो रद्द कर दी जाएंगी, वो जितनी भी ट्रेनें शुरू होने वाली है। और उसी पर बातचीत करने के लिए संजय त्रिपाठी एबीपी न्यूज संवाददाता सीधे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बताइए ये जो रेलवे का फैसला है इसका असर लगभग कितनी ट्रेनों पर पड़ा है? जी ज्योति, मैं ये बताना चाहूंगा कि लखनऊ का चारबाग स्टेशन और इसके साथ में जो लगा हुआ सिटी स्टेशन है, इन दोनों को मिला करके लगभग यहाँ से 200 ट्रेनें चलती हैं और लगभग 125,000 यात्रियों का लोड है। आज रात को 12 बजे से जब ये व्यवस्था शुरू होगी जनता कर्फ्यू के दौरान, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था, तो उसके बाद माना जा रहा है कि लगभग 20 से 25 ट्रेनों पर असर जो है, ये नॉर्दर्न रेलवे की जो ट्रेनें चारबाग पर आती हैं और NCR की जो ट्रेनें, NER की जो सिटी स्टेशन पर आती हैं, तो लगभग माना जा रहा है कि 25-30 ट्रेनें प्रभावित होंगी। लेकिन अभी सुबह का हम आपको हाल दिखा दें कि मैं इस वक्त खड़ा हूँ चारबाग स्टेशन पर और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जहाँ पर दिन भर यात्रियों की खचाखच भीड़ रहती है। सुबह से ही अपने गंतव्य को जाने के लिए बड़ी तादाद में यात्री मौजूद रहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, तो लोग डर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक तरफ प्लेटफॉर्म की जरा तस्वीर दिखाएं किस तरीके से जो लोग डरे हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, जबकि सबसे ज्यादा ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती हैं। और अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली से ही एक ट्रेन आई हुई है यहाँ पर, AC सुपर फास्ट एक्सप्रेस, लेकिन उसमें भी यात्रियों की संख्या बेहद कम थी। तो आप साफ तौर पर देख सकती हैं किस तरीके से चारबाग स्टेशन बिल्कुल सन्नाटा दिख रहा है, यात्रियों का ना के बराबर यहाँ पर आना हो रहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोरोना वायरस एक दहशत के रूप में मनाया जा रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नहीं संजय, मुझे लगता है कोरोना वायरस ही वजह है जिसकी वजह से लोग भी अब कम सफर कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर हम लगातार एबीपी न्यूज पर आपको बता रहे हैं कि सावधानी, बचाव, यही उपाय है कोरोना का।
कोरोना का असर देखिए महिलाओं के गहना चूड़ी पर भी पड़ा है और आपको बता दें कि इस उद्योग पर भी पड़ा है। रंग बिरंगी अलग अलग डिजाइन की इन चूड़ियों को देखिए। इन चूड़ियों को महिलाओं का पसंदीदा गहना कहा जाता है। यूपी के फिरोजाबाद में इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। यहाँ से इसकी थोक बिक्री होती है, विदेशों तक माल सप्लाई होता है। लेकिन अब इन चूड़ियों के खरीदार ही नहीं मिल रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है कोरोना। कोरोना की वजह से लोग एक शहर से दूसरे शहर में यात्रा नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि विदेशों में यहाँ के चूड़ियों की सप्लाई बंद हो गई है। इन चूड़ियों के निर्माण में कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल होता है जो चीन से आता है। कोरोना की वजह से इन केमिकलों का आयात फिलहाल बंद है। अधिकतर व्यापारी जो फिरोजाबाद आते हैं वो दिल्ली भी जाते हैं और जयपुर भी जाते हैं। तो जब दिल्ली बंद है तो फिरोजाबाद आने का, अकेले फिरोजाबाद आने का उनका कोई भी औचित्य नहीं बनता है। तो फिरोजाबाद में चूड़ी लेने के लिए भी ग्राहक बहुत ही कम संख्या में आ रहे हैं। कोरोना ने महामारी का रूप तो ले लिया है, उसको नुकसान तो हो रहा है कि बाहर का एक्सपोर्टर नहीं आ रहा है। चूड़ी उद्योग में भी बाहर से व्यापारी का आना बंद हो गया। यहाँ से भी लोग तगादे में नहीं जा पा रहे हैं, ऑर्डर भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि हर किसी को दिल में दर्द बैठा हुआ है कोरोना बीमारी का। चूड़ी के कारोबारी फिलहाल पहले से मौजूद स्टॉक का इस्तेमाल चूड़ी बनाने में कर रहे हैं। अभी कारखाने चल रहे हैं और इनके पास स्टॉक जो है, स्टॉकिस्ट जो हमारे इंडिया में है चाइना के, उनके पास पर्याप्त माल है। बस ये ना आने से, सप्लाई ना आने से पीछे से थोड़े रेट बढ़े हैं। कारोबारियों का दावा है कि फिरोजाबाद में चूड़ी के कारोबार को कोरोना से 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।